पंजाब में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का झगड़ा और तेज होता जा रहा है। झगड़ा है मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच। इसी संबंध में अमरिंदर ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक पत्र में अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पार्टी की योजना पर आपत्तियां जाहिर की हैं। अमरिंदर ने लिखा है, दिल्ली में हाईकमान को ये समझना चाहिए कि पंजाब में इस समय कैसी स्थितियां हैं और इन स्थितियों में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव करना ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो पार्टी और पंजाब सरकार दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि अमरिंदर ने चिट्ठी के माध्यम से इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की है कि हाईकमान पंजाब के मसलों में अनावश्यक दखल दे रहा है। उन्होंने लिखा है कि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम राज्य में कांग्रेस को दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगा। इससे पहले 16 जुलाई को कांग्रेस नेता सिद्धू ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। सोनिया से पहले भी राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। सिद्धू और अमरिंदर का झगड़ा 4 साल से चला आ रहा है। इसे सुलझाने के लिए पार्टी हाईकमान में कई दिनों से माथापच्ची चल रही है। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, सुलह का फॉर्मूला तैयार भी किया गया, लेकिन अब फॉर्मूला लागू होने की आहट भर से ही पंजाब वाला झगड़ा सुलझने की बजाय और उलझता दिखाई दे रहा है। सुलह का फॉर्मूला क्या तय हुआ, इस पर कांग्रेस का कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन 2-3 दिन से मीडिया में एक थ्योरी चल रही है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके मायने ये भी निकलते हैं कि पंजाब में कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव सिद्धू की अगुवाई में लड़ेगी। जब सिद्धू ने दिल्ली आकर ताबड़तोड़ तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की, तो इस मुलाकात को भी इसी क्रम में देखा गया कि संगठन में सिद्धू को बड़ा रोल मिलेगा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कुछ दिन पहले इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अब वे कयासबाजियों को रोकने की स्थिति में आते हुए कह रहे हैं, ऐसा कौन कह रहा है। हरीश रावत 17 जुलाई को पंजाब भी पहुंच रहे हैं, यहां वे अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। ऐसे में पंजाब कांग्रेस में, पंजाब सरकार में तेजी से घटनाक्रम बदलते दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।